are going to दिस learn कॉल इज नाउ Verdun. बीइंग Okay. रिकॉर्डेड. So, guys, do you have any idea of Verdun? Can anyone please tell? टू बिकम सर टू डेटा डेवलप या प्लीज टेल नीलोफर. मतलब चेंज आर डेवलप टू वेरी बिकम और गुड. टू गेट. टू बिकम ओके यस और टू गेट ओके ओके. एंड गाइस दिस ग्रामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके तो ग्रामर इज वेर डन. ओके वेर डन मीनिंग टू बिकम टू गेट टू विल. ओके वी विल यूज इट फॉर मल्टीपल पर्पस. ओके गाइस इसे हम काफी जगह हम यूज करते हैं वेर डन को. सबसे पहले हम इसकी कॉन्जुगेशन देखते हैं. ओके इश वेर ड डू वेर्स्ट. ओके एर एस जी सर वेड. ओके वीयर वेडन ईहर वेडेट. ओके एंड जी वेडन. इज इट क्लियर एवरीवन? ओके सो गाइस इसे हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज करते हैं. सो एक एक करके हम देखेंगे हम किस वे में सेंटेंसेस हम बना सकते हैं. राइट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे वेडन. प्रेजेंस में ओके सो फर्स्ट सेंटेंस है आपका इश वेड लहरर. मीनिंग गाइज आई वॉन्ट टू बिकम टीचर. सर आई वॉन्ट ओके वेरी गुड. या नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइज जी वेडन एल्टन. मीनिंग गाइज They become elders. They are becoming parents. Okay. And Next example, guys. Eher werdet Freunde. Meaning, guys? they become friend. Yeah, you all are You all. becoming friends. Okay. One more example, guys. वीर वैडन नाकबान. मीनिंग गाइज वी आर नेबर वी आर बिकमिंग नेबर. इज इट क्लियर एवरी वन? यस सर. ये प्रेजेंस में सर भी मतलब नेबर में है बट उसमें ये सारा हम प्रेजेंस में सीख रहे हैं. किसमें सीख रहे हैं? प्रेजेंस में ओके इसमें एक चीज और मुझे बतानी थी. देखिए ये हमने बनाया है वेडन प्लस नोमन. वेडन के साथ हमने क्या लगाया है? नोमन नाउन. ओके नेक्स्ट गाइस हम सीखने वाले हैं वेडन प्लस एडजेक्टिव. यहां पर हम वेडन के साथ क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव. ओके फॉर एग्जांपल गाइस इश इश्वेडा म्यूडा न्यू या मीनिंग गाइस
I become tired. Yeah, I'm becoming tired or I become tired. Okay. Next example. Chani, aap mute rakhiye. Okay. Do wears grows. You becoming big. Like you are getting tall. Okay. Yeah. Next, guys. Wear Verden hungrish. Meaning, guys? We getting hungry. We are getting hungry. Very, very good. So guys, देखिए वेडन के नाम A2 में भी सीख रहे हैं, B1 में भी सीखेंगे, B2 में भी सीखेंगे, ठीक है? तो पहले हमने सीखा है वेडन के साथ आप क्या यूज करोगे, नाउन यूज करोगे, ठीक है? सेकंड हम क्या सीख रहे हैं, वेडन के बाद आप क्या यूज करोगे, एडजेक्टिव यूज करोगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल गाइज, वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू. अच्छा गाइज, वेडन हम कौन से प्लेस पे लगा रहे हैं? सेकंड. तो गाइस आपको ऑलवेज यही ध्यान रखना है कि वेडन आप कौन सी प्लेस पे लगाओगे, सेकंड. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, सी बिकम नर्वस, सी वेड, यू बिकम, सी वेड, दे आर बिकमिंग नर्वस. ओके, दे आर बिकमिंग नर्वस, नर्वस. ओके, नेक्स्ट गाइस, कल भी अनमोल को सेंड करना रह गया था लिंक, तो डेली माइंड से निकल जाता है. एक सेकंड. बट जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, या नेक्स्ट पॉइंट इज Werden plus Werden plus alters Angaba. Guys, alters Angaba meaning होता है. Anmol, I will tell you one more time. Just wait. Okay, इतना आप ये direct समझिए. Werden plus alter. Alter Angaben meaning होता है Werden के साथ आपको age, जब भी आप age को बताने वाले हैं तो आप किससे sentence बनाओगे? Werden से बनाओगे. किससे बनाओगे? Werden से. Werden से. Okay. For example, guys, ich werde 30 Jahre old. Meaning, guys? I become becoming 30 years old. Okay, one more example, guys. Do there's Aksin Yahara Al. Meaning, guys? You are becoming 18 years old. Okay. Er werde Fünfzig Jahre alt. Meaning, guys? He is becoming 50 year old. 50 year old. Guys, is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So, guys, I will revise all the things. Anmol, buddy, वो आपको कल भी link send करना रह गया था. Okay. और आज भी. अगर मैं आपके साथ शेयर नहीं करूं तो आप 5 o'clock ना आप मुझे मैसेज कर दो, बाकी कल से मैं ध्यान रखूंगा. ओके, ओके. सो वेडन मीनिंग होता है टू बिकम, इश वेड डू वेस्ट आर एस जी गाइस वेल्ड वियर वेडन वेडन ईयर वेडेट एंड जी जी वेडेट वेडेट वेडन. ओके, अनमोल देखिए, जैसे वेडन मतलब अभी मैंने बताया था बिकम होता है टू बिकम, टू ग्रो और टू विल. जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो भी हम वेडन यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हम सीख रहे हैं वेडन को प्रेजेंस में किस थ्री टाइप से हम यूज कर सकते हैं. पहला टाइप है आपका वेडन
प्लस नोमन. आपको वेडन के साथ क्या यूज करना है, आपको नाउन यूज करना है. ओके फॉर एग्जाम्पल, ओके जस्ट रीड फर्स्ट सेंटेंस अनमोल. लहरल मीनिंग कंट्रोल नाउन. I'm becoming teacher. Okay, the Verden Elton. Meaning, guys? Guys, meaning they are becoming parents. They are becoming okay. parents. Here, where did Freunde? You are becoming friends. Okay. He is becoming. You guys, not here. You all. Yeah. We are Verden Akbar. Meaning? We are becoming neighbors. Okay, very good. Next, abhi hum seekh rahe hain Verden plus adjective. Verden. Ye kiske saath? Anmol, please mute. Verden plus adjective. Verden ke saath aap kya use karoge? Adjective. Adjective. Okay. For example, ish Verda muda. Meaning? I become tired. Okay. Next, do waste grows. Meaning, guys? You become big. Okay, very good. We are werden hungrig. Meaning, guys? We are getting hungry. Okay, last one. हम जो werden use करेंगे age बताने के लिए use करेंगे. For example, ich werde 30 Jahre alt. Okay, du willst 18 Jahre alt und werde 50 Jahre alt. Guys, is it clear or not? Yes. Yes, sir. Chat में भी लिखा है, देखना. अनमोल, आपने क्या भेजा है? इश, बड़ी इश के साथ conjugation क्या होगी? इश werde. Yes, ich werde 20 Jahre alt. सर वो ऑटो करेक्ट होगी. Yes, बड़ी वो okay. So, इश के साथ वेड होगा. गाइस क्लियर है आप सभी को? ठीक है गाइस, देखो अभी तो हमने सीखा था प्रेजेंट में बनाने को, अभी हम सीखने वाले हैं पास्ट में. अगर हमें पास्ट का कोई सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाना है. ओके सो टॉपिक इज प्रेटेरिटम. ओके सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्जुगेशन देखते हैं. Ich würde, du würdest, guys please repeat. Du würdest, es, sie, würde, es, sie würde, wir würden. Okay. Viewed it. Okay. Viewed. Okay. So guys, ये preterit werden का जो past होता है ना वो würde होता है. Okay. For example. Ich würde Lehrer. I became a teacher. Guys, is it clear everyone? Yes, sir. Okay. So guys, but only आपको क्या चेंज करना है, werden को würde का conjugation आपको देना है, बाकी सारा कुछ सेम है. ठीक है. Okay, sir. ठीक है. Next is. Du würdest Aksen Yahara all. Meaning, guys? Yeah, he became 80 years old. Okay, very good. 18 years old. Yeah. Sie wurden Eltern. Yes. They become elders. They became
parents. Okay. Guys, if you want to use for adjective, I became tired. Okay, what? I became tired. I became tired. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. For example, Z wooden nervous. Yes, guys. Became nervous. Okay. Next, guys, for one example for age. Okay. Okay, guys, meaning? They become 40, he become 40 years old. Become or became? Became 40 years old. Guys, जब भी आप past की बात करोगे ना, तो आप किससे बनाओगे? Wooden से बनाओगे. Okay, wooden. Is it clear, guys, everyone? Yes, sir. Guys, yes, देखिए, अभी हमने हमने सीख लिया, present में सीख लिया, ठीक है? हमने preteritum में सीख लिया. अभी सीखेंगे हम perfect में. Okay. Okay. So guys, आप मुझे बताइए participle why में जो हम एक तो zain लगता है और haben लगता है, ठीक है? Yes, तो zain हम किसके लिए लगाते हैं? Movement के लिए. Movement के लिए. Okay. और हम haben किसके लिए लगाते हैं? No movement. Okay, no movement. अच्छा, guys, werden मतलब क्या होता है? Become. So become. Guys, यहाँ पर भी देखिए, जो यहाँ जैसे हमने A1 में सीखा था ना movement, इसमें और भी चीज ऐड होती हैं, जैसे change of state. Okay, जैसे हमारे hair grow होते रहते हैं, तो यहाँ भी हमारी movement की बात हो रही है. Okay, यहाँ पर change of state. Okay, अभी आप सो रहे हो, ठीक है? For example, आप सो रहे हो, आप जग गए. तो यहाँ पर भी आपको zain form use करनी है. क्या form use करनी है? zain form. For example, अभी आप swimming के लिए जा रहे हो, आप बाहर हो and then आप swimming pool के अंदर हो, तो अब आपकी change of state हो गया. तो यहाँ पर भी आप zain form use करोगे. क्या form use करोगे? zain form. Okay. So guys, आप ये mind में रखिए, जब भी आप werden से sentence बनाओगे perfect में, so you will always use zain form. Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. So, for example, guys, Ish bin geworden. अच्छा, जो werden का participle swai form क्या होती है? Verb 3. Geworden. Okay. इसके साथ हम bin लगाएंगे zain में, ठीक है? Next, guys. Du bist geworden. इसका मीनिंग क्या हुआ सर? geworden का बड़ी geworden मतलब हो जाएगा have become past में. Yes, मतलब हो गया. Okay, नहीं, इसके साथ फिर आगे सर कुछ और नहीं बनेगा कुछ sometimes. बड़ी अभी नहीं, ये मैं सेंटेंस नहीं बना रहा, ये मैं आपको कॉन्जुगेशन बता रहा हूँ. सर ऐसे लगेगा ना इसमें गिव और एल्टन, सॉरी, मतलब वो बूढ़ा हो गया. यस, इश्विन डू बेस्ट एट द एस्ट. सर वो तो कंजुगेशन. गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये तो भी नहीं, वेट ठीक है? न्यू ये मैंने अटेंड नहीं करी है, ये भी नहीं लीड आज की, ठीक है? ये बात हो चुकी है. Okay, guys, right now I am telling with you only conjugation part. Okay? Okay, sir. Yeah. अभी हम sentence भी देखेंगे, just don't worry. Okay? Air.
एस जी इस्ट गिवोर्डन. नेक्स्ट गाइस वियर जिंद गिवोर्डन. ओके नेक्स्ट इज गाइस ईयर जाइड गिवोर्डन. ओके नेक्स्ट गाइस जी जी जिंद गिवोर्डन गिवोर्डन. ओके फॉर एग्जांपल गाइस नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल. ओके फॉर एग्जांपल आई हैव बिकम अ टीचर. ओके जो काम हो चुका है. ओके इश बिन लहरर गिवोर्डन. वेरी गुड. किस किस को समझ में नहीं आया ये? चांदनी कौर कुलविंदर अनमोल बडी इज इट क्लियर और नॉट? सर आ रहा है बडी. ये पार्टिसिप्स वाई में बनाया ये जो काम हो चुका है. अगर पास्ट में देखना है ओनली पास्ट में देखना है वो ये रहा इश बोर्ड. ठीक है यस. फॉर एग्जांपल गाइस डू बेस्ट आस्क गिवोर्डन. Meaning? He become a doctor. You have become a doctor. You have become a doctor. Become a doctor. Okay. Next is guys. Er ist Präsident geworden. Meaning? He has become the president. Okay. For example, guys, guys, सारी चीज जो मैंने आपको पुरानी पढ़ाई है ना participles वाये present या preteritum वही है. वो only हमने verdan की verb सीखी है only. कुछ नया नहीं सीखा. Okay. Yes, guys. Meaning? They have become parents. Channi mute. Okay, guys. That's all from my end for Verdan grammar. अगर आपको छोटा सा भी doubt है, you can ask. अगर आपको revise करना है, let me know. Okay, आप revise कर सकते हो. आपके पास 3 to 4 minutes है. धीरे-धीरे मैं scroll down करता जाऊँगा. Okay. जी सर. यस सो गाइस यहां से हमारी वर्ब स्टार्ट होती है आज की ग्रामर वेडन. सर इसे फ्यूचर में कैसे बनाना सेंटेंस बडी? फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्यूचर में बनाना है आपको फॉर एग्जांपल कल आपको कोलकाता जाना है. सो इश्वेडा मॉर्गन ना कोलकाता फार्म सेम ही लगे सर इश्वेडा. यस बडी वेडा वेडा एक फ्यूचर की भी बात करता है. ओके सर प्रेजेंस और फ्यूचर दोनों सेम ही है बड़ी. व्हाट क्या? प्रेजेंस और फ्यूचर सेम ही है. यस 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 यस. ओके आप उस सेंस में भी यूज कर सकते हो उसे. ओके जैसे बोलना सर आई वांट टू बी आई वांट टू बिकम तो आप जैसे आपको बोलना है कि मुझे टीचर बनना है. ओके सो इश वेडर लहरर वेडन. गाइस वो थोड़ी सी ग्रामर अलग हो जाएगी. वेडन एज अ मोडल वर्ब भी यूज होता है. ओके सो अभी जैसे वो टॉपिक आएगा आई विल डेफिनेटली टेल यू बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं. ठीक है अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं फुटूर की. ठीक है फ्यूचर की बात करते हैं सो आप इसे एज अ मोडल वर्ब यूज करोगे. मोडल वर्ब हम कैसे यूज करते हैं? मोडल वर्ब में वर्ब मेन वर्ब कहाँ जाती है गाइस? लास्ट में सर. सर लास्ट में जाती है. तो वेडन मीनिंग यहाँ पर टू विल से भी यहाँ पर मतलब हो जाएगा. फॉर एग्जांपल इश वेडा लहरर वेडन. ओके आई विल
बिकम अ टीचर। एक दो और एग्जांपल लिख दो सर। अरे चार लीजिए आप बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल यू विल बिकम अ डॉक्टर। ओके अगर आपको इसे इससे बनाना है, एडजेक्टिव से बनाना है। वेट गाइज, आपकी पूरी ये लाइक पीडीएफ तैयार हो रही है। ओके सर, जो आप वादन लगा रहे हैं ना, फिर जैसे ईश वर्दे लहरर फिर वर्दन, तो ये जो लास्ट वाली वर्दन है ये पूरी आ जाएगी। डी वर्दन मतलब पूरी ऐसे ही आएगी, कॉन्जुगेशन नहीं होगी। ये वर्दन तो हो गया बिकम वाला, ठीक है। हाँ। और ये वर्दन हो गया फ्यूचर के लिए, हम बात कर रहे हैं तब। ओके सर। ओके ये वाला सॉरी, ये हो गया बिकम वाला, ये वर्डन हो गया विल, ये वर्डन मतलब विल हो गया जब भी आप फ्यूचर की बात करोगे। गाइस अगर मैं आपको इसका मीनिंग दिखाता हूँ, इसका एक मीनिंग नहीं काफी सारे मीनिंग आएंगे। ओके देखो, सबसे पहले विल शैल आ गया, राइट जी सर। सबसे पहले विल शैल आ गया, आप नीचे देखिए, टू बिकम समथिंग, टू ग्रो समथिंग, टू टर्न इनटू समथिंग। ओके तो गाइस ये अलग अलग सेंस में अलग अलग वेज में यूज होता है वर्डन। वांट के सेंस में भी होता। बड़ी वर्ड ये वांट के सेंस में भी होता, डब्ल्यू एन टी। यस डेफिनेटली यू विल। हां यस यस ओके, ये वांट के केस में भी यूज होता है। या ओके फॉर एग्जांपल आई विल टर्न 13 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड फॉर एग्जांपल। ओके सो हाउ विल यू मेक इश वेड ड्राइशिस यार है आर्ट वेडन। मीनिंग गाइस, इश विल आई विल बिकम 30 इयर्स, इश विल बिकम टर्न 13 इयर ओल्ड। ओके आई विल बिकम, इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके नाउ गाइस, डू यू वांट टू रिवाइज? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके एडजेक्टिव के साथ कैसे बने हैं ये? बड़ी एडजेक्टिव के साथ ये तो रहा, कहाँ गया? ये रहा इश वेडन म्यूड वेडन, ये रहा। म्यूडा क्या है आपका एडजेक्टिव? तो ये रहा ठीक है। ओके बताइए। ओके सो गाइस, यू इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू कैन रिवाइज only for 2 minutes. okay I will scroll down whenever you will say. okay so just please revise it. okay then we will follow the book.
गाइस डन यस सर इज देयर एनी डाउट एनीवन नो सर ओके एक्ट आ बिटल लेजन जी फॉर अनमोल ऑपरेशन जी बी फॉर ओल वेटल एक्सटेल ओल जी आ ओल एरिगांसल जी जी इन देयर वेगन परलाइशन जी विथ इयरस प्राशन इयरर इस प्राका मीनिंग अंडरलाइन करना है सर फॉर्मल वेडन दिया है 7 ए में वेडन वाले ग्रामर यू नीड टू अंडरलाइन एवरीवन इज इट क्लियर यस सर ओके यस गाइस प्लीज डू देन वी विल डिस्कस ओके क्या करना है सर बड़ी वेडन वाली ग्रामर आपको मार्क डाउन करनी है हियर 7 ए में ठीक है या प्लीज डू इट
यस गाइस प्लीज टेल वी आर इनवाइटेड बडी वेयर सर सेकंड लास्ट में सर फर्स्ट में आर्टिकल में ईश्वर दा सर ईश्वर दा नहीं ईश्वर दा तो है बट दिख भी तो नहीं रहा एक भी नीचे वाले थर्ड लाइन सर नीचे ट्वेंटी जा रहे लॉन्ग आलस गाइस यहाँ पर वेडा किसके लिए यूज हुआ है इसके लिए ओके गाइस नेक्स्ट वन सेकंड है सर वर्ड जी वर्ड यूज करना कर अंडरलाइन करना था क्या बडी वेडन में जो वेडन जिसके साथ लग रहा है ना प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सबके साथ करना है आपको अच्छा सर इसमें भी है ना कौन सी लाइन नीचे वाली सर दान दान वर्ड जी हां वर्ड दे दान वर्ड सर थर्ड लाइन जी हाँ तो ये कर दिया यस नेक्स्ट लेडन वर्ड एहर मिट टाइनम लाडन वेर्ड ईयर ड्रम वार नेक्स्ट गाइस बड़ी हो तो गया ये रहा मैंने ग्रीन कलर का करा है देखो जी कलर चेंज कर देता हूँ ये रहा यस ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है सर इस साइड गिव ऑर्डन सेकंड हार्ड ट्रम्स नेक्स्ट गाइस इसका भी ला एरिस्ट एम फॉर हर गिव ऑर्डन वेडन प्लस नोमन को देखें तो एरवेड फैन फारर क्या है आपका एक नाउन है आपका नाउन है ठीक है वेडन प्लस एडजेक्टिव गाइस आई थ्रॉम विद वार आपका वार क्या है एडजेक्टिव एडजेक्टिव वेडन प्लस अल्टर अनगाबन ओके गाइस अगर आपको एज की इंफॉर्मेशन देनी है इश्वेडा नेक्स्ट गाइस आपको ये सेंटेंसेस बनाकर लेकर आने हैं देयर जोमर इज फोर बाय like summer is like gone Erwid Kelter okay Erwid Kelter तो guys आप क्या करोगे आपको क्या करना है simple आपको ये complete करना है and guys आपको 10 like आपको 15 sentences Vedan से और बनाकर send करने हैं is it clear everyone yes sir okay next point guys I will ask you some vocabulary ओके चैप्टर नंबर 6 ओके गाइस बियर मीनिंग बियर ओके दैट इज काइट मीनिंग गाइस ऑक्यूपेशन एक्टिविटी सुरु कॉमन मीनिंग गाइस कम बैक अनाउंसमेंट वेरी गुड आइनफग मीनिंग गाइस क्लास इजी आइनफग इज इजी क्लास मीनिंग क्लास second class okay for example fire tag meaning complete fire tag holiday okay holiday okay guys jisne kal ka homework send nahi kara tha
यू नीड टू सेंड द होमवर्क एवरीवन. इज इट क्लियर? यस सर. नेक्स्ट पॉइंट गाइस प्लीज, आर यू गाइस यूजिंग डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन, यस और नो? चांदनी, यस सर. आर यू श्योर? यस सर, मैं चैटिंग कर रही हूं. चैटिंग नहीं सर, क्यों? नहीं नहीं चैटिंग नहीं, आपको बोलकर वो करना है कॉल पर. नीलोफर, व्हाट अबाउट यू? सर मैंने कुछ दिन से नहीं किया, वो बोल रहे हैं कहां से हो. सो आप यस सर, मुझसे भी पूछ रहे थे. ओके सो गाइस, आप कुछ यस गाइस, आप कुछ और क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, बट आपके गाइस और कोई आपके पास रास्ता नहीं है कम्युनिकेशन का फिर. ओके कुलविंदर, व्हाट अबाउट यू? सर करता हूं लेकिन बीच-बीच में करता हूं सर. अनमोल बडी, अनमोल व्हाट? चांदनी म्यूट. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस, सर सेंड पीडीएफ ग्रामर का. किसकी ग्रामर का भेजना बताइए? सर अभी जो पढ़ा है. ओके वेट गाइस, आई विल सेंड यू वेट, अदरवाइज आई विल फॉरगेट. ओके गाइस, आपको ये पैटर्न से समझ में आया है सारा? जी सर. यस सर.